Hello everyone, welcome back to my channel and in my new video. If you are new to my channel, please go subscribe below first. और आपको पता ही चल गया होगा कि आज संडे है, तो संडे को वीडियो बनती है, मंडे को पोस्ट करती हूँ क्योंकि टाइम मेरे पास इतना नहीं रहता. और आज कुछ अलग होने वाला है क्योंकि बहुत सारे मतलब मुझे सजेस्ट करते थे प्लीज़ डू व्लॉगिंग व्लॉगिंग व्लॉगिंग. सो आज व्लॉगिंग होने वाली है क्योंकि आज हम बाहर जाने वाले हैं घूमने. मतलब लॉकडाउन के बाद हम पहली बार आज घूमने जा रहे हैं बाहर. अभी तक हमने कोई ऐसा कोई प्लान नहीं किया था ट्रिप या फिर कुछ भी ऐसा कोई घूमने अभी तक हम नहीं गए. तो आज हम जा रहे हैं घूमने. अब सोच रहे हैं हम कि आज हम कैफ़े वगैरह कहीं पर जाते हैं, तो देखते हैं अब हम कहाँ पर जाते हैं. और तब तक मैं रेडी वेडी होकर आपसे बात करती हूँ. थोड़ा सा इंट्रो शूट करने आई थी क्योंकि एकदम से इंट्रो शूट करती तो गड़बड़ हो जाता. तो मिलते हैं नहाने के बाद और रेडी होने के बाद. सो गाइज हम रेडी हो चुके हैं और हम कहाँ जा रहे हैं दीदी? अरे मास्क तो डाल ले. ये ओवर एक्टिंग कर रही है और इसको ये नहीं पता कि मैं ये भी डालूंगी. और हम जा रहे हैं कहाँ पे जा रहे हैं बताना. उतार लेना इसको. ये मास्क गर्ल बन रही है. और अभी भीना जी तैयार हो रहे हैं और मम्मी बैठी है जो कि हमें देख रही है कि हम जा रहे हैं. मम्मी कुछ कहना चाहोगे आप? कहना चाहूंगी मैं जल्दी घर आना. मम्मी आप बारिश का मौसम है तो अभी हम जाने वाले हैं और दीदी हमारी ये बैठी है और दोनों गाड़ी तैयार है. मैं इसमें जाऊंगी, मेरी स्कूटी है और ये मेरा हनी है. हनी हेलो कर दो, हेलो कर दो, हेलो हेलो करो, हेलो करो, हेलो नहीं करना, नहीं करना. ये बहुत सोता रहता है. और ये हमारा कोको है, ये भी सोता रहता है. कोको ना, ये तो बहुत नटखट है. नहीं बेटा कपड़े गंदे हो जाएंगे. और हम अभी थोड़ी देर में निकल जाएंगे जैसे भी ना तैयार होते हैं और उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि हम कजा कहाँ जाते हैं. और ये मेरी बजाई है. बजाई हाय करो. बजी हेलो बोलो. हाय हाय कैसे हो? बोलो हेलो गाइस. बोलो हेलो गाइस. कैसे हो? हेलो गाइस बोलो ना. हेलो हेलो गाइस गाइस. कैसे हो? ऐसे कर दो. कैसे हो? कैसे हो? सो गाइस जब भी आप बाहर जाओ तो प्लीज अपना मास्क पहन के जाना और पूरा सेफ्टी के साथ जाना, सैनिटाइजर लेके जाना. और मेरी दादी और मेरी बजाई और मेरी मम्मी की पता नहीं कौन सी बात चल रही है यहाँ पे. तो अभी मैं चली, स्कूटी रेडी है एकदम और मैं जाने के लिए एकदम तैयार हूँ. और ये यहाँ से मैं जाऊँगी और आपको बीच बीच में क्लिप्स दिखाती रहूँगी हम कैसे कैसे जा रहे हैं, किधर जाएंगे अभी कोई डिसाइडेड नहीं है. तो देखते हैं, मौसम भी ख़राब है, मौसम भी थोड़ा बारिश वाला हो रहा है. तो लेट्स सी क्या होता है, मिलते हैं रास्ते में. और हम ये बारिश में भीगते हुए, बहुत बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी. सो अभी हम हैं सौड़े के पुल में. जो लोग देहरादून से बिलोंग करते होंगे, ये मेरी भाउजू है. हाय भाउजू. हेलो. और ये सौड़े का पुल है जो कि बहुत फेमस है रायपुर में. यहाँ पे गंदी नदी का पानी आ रहा है और काफी सारे लोग हैं इस रोड में. बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है ना. मस्त. तभी हम दीदी और का वेट कर रहे हैं जो कि बहुत ही पता नहीं किधर रह गए. लड़का लड़की फोटो खिंचा रहे हैं. चलो भाव जो हम भी ऐसे ही चाहते हैं थोड़ा. आप मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ. और ये दो हीरो हीरोइन आते हुए. अरे भाई रुक जाओ. रायपुर में हिरन आया था. कहाँ पर आया था हिरन? रायपुर में. अच्छा मजा आ गया आज उनकी पार्टी. मम्मी आपने देखा हिरन रायपुर में? तो गाइज मैं आपको अपने भीना जी से मिलाती हूँ. ये मेरे भीना जी है.
ये मास्क नहीं था, दोनों हस्बैंड वाइफ एक जैसे। और फाइनली वी आर इन डिस्क रिजॉर्ट, और इधर इतना मस्त वेदर हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा मस्त। देखो काफ़ी सारे लोग भी आए हैं जिन्होंने मास्क नहीं पहना है, बट हम मास्क वास्क सब कुछ सेफ्टी के साथ आए। अगर कुछ खा घोड़ी सकल दिखाओ घोड़ी, मस्त आ रहा पीछे का बैकग्राउंड। ये मास्क तो उतार दे, लोगों को बहुत बोलते हैं कि हम दोनों ट्विंस हैं, किस एंगल से हम दोनों ट्विंस हैं। ये डिस्क रिजॉर्ट कुछ ऐसा सा है, ऐसा सा, बट ये जो दिख रहा है ना पीछे बहुत प्यारा व्यू आ रहा है, फोटो बहुत अच्छी आने वाली है इधर। सो हम चलते हैं। यहाँ पे घोड़ा भी है और यहाँ पे बहुत ज्यादा कीचड़ कीचड़ भी हो रहा है। अध्ययन हाय करो, अध्ययन हाय करो। ये दो महिलाओं को मैंने अभी अभी स्टॉक किया यहाँ पर फोटो खिंचाने के लिए, मस्त हो रहा। कैसे हो? ठीक हूँ। अबे बोलो कैसे हो, बोलो हेलो गाइस। हेलो गाइस, कैसे हो? कैसे हो, क्या कर रहे हो? बोलो बोलो, मेरी फूफू के चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, सब्सक्राइब सब्सक्राइब, क्या करना? सब्सक्राइब, वहाँ कर दे। और अभी हम फिलहाल फोटो शूट करा रहे हैं, लड़की मेरा फोटो शूट कर रही है, और थोड़ा थोड़ा इतना मुझे आता नहीं अच्छे से व्लॉग करना, बट थोड़ा थोड़ा आप लोगों के लिए व्लॉग कर लेते हैं। और ये हमारे साथ के तीन लोग बैठे हैं इधर, और यहाँ पे हो रहा है फ़ोटो शूट जो कि बहुत ही ज़्यादा चुड़ैल लड़की का। थोड़ा थोड़ा फ़ोटो शूट हो रहा है, ये गुलर घाटी से बुलाए हैं फ़ोटो शूट करने वाले। हाँ, अरे क्या बात है। अरे भाई कैमरा मैन को देखो लिटने के लिए नहीं। ओ माय गॉड, ये और यहाँ दूसरी हीरोइन तैयार होते हैं फोटो के लिए। हाँ ये देखो जरा, ये करो पोज बनाते हुए रैंडम बोलने वाले लोगों को यही मारा जा रहा था रैंडम खींचने के लिए। हेलो, ये वॉक करूंगी विपाशा के तरह। ये विपाशा वाला कर रहा है, ये दुल्हन वाला पोज क्यों कर रहा है? जी मुझे यार बाजू को मैंने आज शर्मिंदगी फील नहीं करवाई लगा। ये देखो ये दुल्हन आ गई, ये लचकाते हुए ये। और अब हम अंदर जाते हुए ये पकड़ अपने शॉर्ट। क्या खाना है? पास्ता। मास नीचे करके बताओ पप्पू को। पास्ता। पास्ता कब खाना है? अभी। और क्या खाना है? और क्या खाना है बताओ? ये कौन सा डिश होता है? कोल्ड ड्रिंक नहीं खाना है? कोल्ड ड्रिंक बता दो, कोल्ड ड्रिंक नहीं खाना है? कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक खा पीऊंगा मैं। अदन कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो गया।
ये दोनों पति पत्नी को डिसाइड कर रहे हैं अभी कि क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे। और ये हमारी दीदी जी पढ़ रही हैं। अब हमारा ऑर्डर आने वाला है थोड़ी देर में। एक गली वेटिंग। बहुत ज़्यादा भूख लग रही है मुझे। मैं तो घूमने आने चक्कर से मैं नाश्ता करना भूल गई। और ये रहा कुछ अंदर से डिस्क रिजॉर्ट। और ये हमने ऑर्डर किया था फ्राइड राइस और मंचूरियन जो कि हमने फटाफट फटाफट देखो कुछ इस तरह से खाते हुए लोग। यम्मी यम्मी चिकन। सो गाइस हमने खाना वाना खा लिया है, लंच कर लिया है। अब हम जा रहे हैं। किधर जा रहे दीदी? आई डोंट नो, शी डोंट नो किधर जा रहे हैं। अब हम जा रहे हैं थानो घूमने। तो और हम फ्री की वाटर बॉटल भी लाए हैं। सो अब हम जा रहे हैं किधर, थोड़ा थानो साइड लॉन्ग ड्राइव पे। एंड ठीक था, खाना बहुत अच्छा था। और हम थोड़ा सा सोच रहे हैं कि एक छोटी सी राइड लेके आते हैं, वहाँ पे कॉफ़ी वॉफ़ी जो भी होगा वो पी लेंगे। वो भी आ रहे हैं मेरे साथ वाले। थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस आ रहा होगा क्योंकि रोड मतलब बगल में ही है ये रोड, इसलिए अब देखते हैं। सो अब हम जा रहे हैं। मस्त मौसम हो रहा है, एकदम एकदम मस्त बोलते हैं इसको। सारे संडे के मजे, मतलब बेस्ट संडे इज द बेस्ट। हेलो बच्चा, दीदी भी बीच रोड में बैठे। दीदी हेलो। तो ये पुल यहाँ से थोड़ा कुछ हो गया होगा इसमें, और छोटी छोटी बारिश, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, बट हम फिर भी इंजॉय कर रहे हैं। थोड़ा धीरे चलो, वो आए नहीं अभी तक। पुल दिखाता नहीं, ये ढह गया था, नया पुल बनाया। और ये यहाँ पे ये पता नहीं क्या जगह का नाम क्या है, बड़ासी का जो ये पुल है ना, ये थोड़ा सा वो हो गया था, टूट गया था, तो अभी इसका थोड़ा काम चल रहा है। ये अभी दोबारा से यहाँ पे हमारे साथ वाले अभी तक नहीं आए, यहीं पर रुक जाओ। और अब अभी हम यहाँ पर रुक रहे हैं थोड़ा सा व्यू का मजा लेने के लिए। आ गए वो लोग, आ गए खड़े हो ना। अरे हमारे साथ वाले बहुत ही स्लो है ये लोग, ताकि जो है हम बिल्कुल अच्छे से मज़ा ले सके, अपना संडे एंजॉय कर सके। पता नहीं आप लोगों को आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही अच्छे से, बट स्टिल आई एम ट्राइंग कि आवाज़ अच्छे से आए। और ये जो जगह यहाँ से लग जाती है इसको बोलते हैं थानो। मुझे पता है बहुत सारे लोग अब कमेंट करेंगे थानो, क्योंकि थानो तो इतना ज़्यादा फेमस है देहरादून में, इतना ज़्यादा फोटोग्राफी के लिए, वीडियो शूट के लिए, फंडर के लिए, फन टू फंटी के लिए स्पेशल पल्लर, यहाँ का पल्लर बहुत स्पेशल। हाँ, और यहाँ का पल्लर भाव जो जैसे बता रहे, पल्लर यहाँ का बहुत फेमस है, जिसको मट्ठा से वो करते हैं ना, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ये हमारे साथ वाले निकल गए। हम स्लो राइड लेते हुए जा रहे हैं, एकदम मस्त मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा मज़ा बोलते हैं इसको। थोड़ा क्या बोलते हैं, अभी थोड़ा बारिश हुआ है तो रोड भी थोड़ा फिसलने वाला है, तो इसलिए हम स्लो ही जा रहे हैं, क्योंकि बच्चा भी हमारे साथ एक जो कि आगे बैठा है, और हम नहीं चाहते कि कुछ भी ऐसा ना, तो हम धीरे धीरे जा रहे हैं। मसूरी वाली मिनी मसूरी जैसा फील आ रहा है सच में। मसूरी तो अभी सैटरडे संडे बंद कर दिया पुलिस वालों ने, बट कोई नहीं, हम लोगों ने थानो आके काफ़ी अच्छा किया। पहले हम वहाँ पर जा रहे थे रस्तिको कैफे जा रहे थे, बट फिर थोड़ा हमारे साथ एक बच्चा है यानी कि मेरा भतीजा, तो उसकी वजह से हम नहीं गए उधर।
और ये देखो कितना भयंकर मूड है। पर हमारा देहरादून बहुत ज्यादा बेस्ट है, यू नो बेस्ट। बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, पीछे कार वाला भी आ रहा है। और यहाँ फंटू फंटी की लाइन लगते हुए, अरे भाई चले जा, तू ही जा पहले, तू ही जा। हाँ फतेह मचा दी, एक और आ रहा, साइड हो जाओ। एक और भी है, इसके बाद भी है, ये नहीं जाने देते पहले, इनको बहुत जल्दी है फोर व्हीलर वालों को। और हम देहरादून की राइड लेते हुए, बहुत मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा कितना भयंकर व्यू आ रहा है। पर हम सेफ्टी के साथ घूम रहे हैं, हाँ मास्क जरूरी है, जैसे अभी यहाँ पे कोई है नहीं मेरे आसपास ज्यादा, तो इसलिए मैंने नीचे कर रखा है। बट हमते जैसे भाऊजी बोल रही है सैनिटाइजर के साथ जाना है, वरना नहीं जा रहे, वरना ये टीचर हमको मारेंगी। सेफ्टी फर्स्ट। एक दिन हम शादी में गए थे तो वहाँ पे भी भाऊजी हमें बार बार मिताली सुना ली पूरे फैमिली को सैनिटाइज सैनिटाइज, अच्छा है ये होना चाहिए सबके अंदर। और अब हम वापस जा रहे हैं क्योंकि हमको अभी मतलब इधर से जो ये रास्ता जा रहा है इनमें नानी के घर निकल रहा है, तो अभी हम वहाँ पे नहीं जा रहे हैं क्योंकि एयरपोर्ट पे निकलता है हमारा। हाँ, और फिर उसके बाद डायरेक्ट जॉली निकलता है, तो हम वापस निकल रहे हैं क्योंकि मम्मी लोग ऑलरेडी नानी के हैं। और हम सोच रहे हैं कि अभी हम थोड़ा कहीं पर जाके पिज्जा विज्जा खाएंगे कुछ ऐसा, क्योंकि भाऊजू ने कुछ नहीं खाया है, हम लोगों ने तो चिकन वगैरह पेल लिया था क्योंकि कल से सावन वगैरह, तो ये नहीं खा पाएंगे। तो इसलिए अब हम जा रहे हैं किधर, घर घर की तरफ। हमारे काफ़ी सारे रेस्टोरेंट है तो वहीं से भाऊजी को कुछ खिला देंगे और खुद भी खा लेंगे। ये और हम अब पेट्रोल बचाते हुए जा रहे हैं। ये जो चमकी तारे मेरे पे पूरी रात प्रकृति साथ है, वो जो गरीब पास नहीं हम गरीब बात में फिर भी जीत चारी है। अतीत की चादर ओढ़े खोया आज उन गुफाओं में है चंदा, जाके पीछे चिपटा रात इन पहाड़ों के चमकता जुगनू जैसे तारे लाल, इन फिजाओं में लपक के बांधा मैंने फीता छाप छोड़े चला, मुझे किस किस ने क्या क्या कहा, भटकता रहा मैं सिर्फ आवारा, मैं एक बादल में चलता रहा, गगन बरस पड़ा तो आवा। हमें वही याद कर दी कि जो खाना है वो खा लो। तो अभी हम जो है वहाँ पे आए, एक रेस्टोरेंट में आए, भाऊजी ने कुछ नहीं खाया था तो हम भाऊजी को कुछ खिलाने के लिए लाए। तो भाऊजी ने अपने लिए मंगाया दाल खिचड़ी, क्या दाल छोले भटूरे और तीन चाय और नूडल्स, स्प्रिंग रोल
तो अभी हम इधर खा रहे हैं, उसके बाद हम जाएंगे अपने फूफू के घर चाय पियेंगे फ्री की, और चाय पियेंगे उसके बाद हम वहाँ पे नमकीन खाएंगे फ्री के। उसके बाद हम जाएंगे एक रेस्टोरेंट जहाँ पे पिज्जा बहुत भयंकर बनता है, जो कि हमारे बाला वाला में है, तो हम वहाँ पे पिज्जा खाएंगे। मतलब रूटीन तो कुछ इस तरह का ही है। सो अभी हम यहाँ पे चाय पी लेते हैं। सो गाइस, हमारा प्लान तो था पिज्ज़ा खाने का, बट हम नहीं जा पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, और स्टिल अभी तक हम अपनी बुआ जी के घर पर ही है। और आज मैं आपको मिलाने वाली हूँ किसी एक शख्स से जिसके हम शादी में गए थे, अगर आपको याद होगा मेरी वीडियोज़ और फोटोग्राफ्स से, जिसकी मैंने वो भी करा था मेकअप वीडियो भी एक रिवील किया था, तो आपको पता चलेगा। एंड वन, थोड़ा ऐसी भाव दे रही हूँ नकली, टू थ्री। हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? भैया आ गए रोटी बनाकर, हम आज फ्री का खाना खा के जाएंगे। और ये नंदा, अरे मेरे बॉयफ्रेंड को तो दिखाओ कोई। ये मेरा बॉयफ्रेंड है, पार्ट टाइम बॉयफ्रेंड। और ये मेरा पार्ट टाइम बॉयफ्रेंड। कुछ कहना चाहेंगे आप? बोलो। ये शर्मा जाता है। ये मेरा बॉयफ्रेंड शर्माता है बहुत। बॉयफ्रेंड तो लग रहा संजय दादा आज। तू शर्मा रहे आप? आज तो भूख के नहीं जाना पड़ेगा। कल को भी वीडियो डाल दे। पीछे चुम्मा दो, चलो पी है थे। लो बेबी, बेबी चुम्मा देगा अभी। बेबी कौन बड़ा पड़ा? ये मैं हूं। क्या मैं खाना YouTube पे? दीदी आपसे हम कुछ बोल रहे थे, वाली लिपस्टिक लगाया करो। दीदी कुछ बोल रहे थे आप? और ये सारी बहनें, दिव्या दीदी मिसिंग है इधर पर, और ये सारे इधर है। हेलो, कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? हमें कह रहे बरसात सेकंड सीनियर, हम ये बोल रहे हैं बरसात शुरू हो गई है, केचुआ और जौ से दूर रहें, क्योंकि अगर वो पैर में चिपट जाती है तो पूरा खून चूस लेती है, तो आप बच के रहना। ससुराल जाने के बाद से ही पता चला ना इस बार। और प्लीज अपने आंगन में ब्लीचिंग पाउडर जरूर डालें। बहुत भारी है भाई। अरे हमने सबसे मिलाया, पर एक शख्स से तो मिलाया नहीं। ये हमारी दूसरी भौजू है। कौन है तेरा भाभी? भाभी है YouTube चैनल। अच्छा, मैं करी तो हम लोग भौजू। हेलो, ये भौजू रोटी बना रही है, आज इनका फ्री का खाना खा के जाएंगे। इन्होंने हमें बहुत जिद करी, बहुत जिद करी। हमने मना भी किया था कि हम नहीं खा रहे। तो गाइज, अभी तो अब हम घर जाएंगे थोड़ी देर बाद, क्योंकि हमें घर जाना जरूरी है, क्योंकि कल मेरा ऑफिस भी है। सो अब मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और पसंद आएगा तो आपको पता है क्या करना है, लाइक शेयर कमेंट, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। बाय।